नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे जून के महीने में लगने वाला सूर्य ग्रहण आपकी राशि यानी मीन राशि पर कैसा प्रभाव देगा। यह सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ रहने वाला है या अशुभ रहने वाला है, इस वीडियो में आप जान पाएंगे। तो देखिए, 21 जून 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। इसका प्रभाव भारत समेत कई अन्य देशों में देखने के लिए मिलेगा। यह सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी रहने वाला है। ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों दिशा में यह घटना जो होने जा रही है यह खगोलीय घटना है, लेकिन इसका प्रभाव वातावरण पर काफी गहरा पड़ने जा रहा है और वातावरण के साथ साथ धरती पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं के ऊपर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक दृष्टि और पौराणिक दृष्टि दोनों दिशा में यह ग्रहण काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसका काफी महत्व है क्योंकि यह मिथुन राशि में होने जा रहा है ग्रहण, और मिथुन राशि प्रकृति वाली राशि है, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। जब ग्रहण शुरू होगा तो 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि, गुरु, बुध, राहु, केतु और शुक्र, यह 6 ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और यह ग्रहण रविवार के दिन रहने वाला है, इसलिए यह ग्रहण ज्यादा शुभकर नहीं है। इसके अशुभ प्रभाव ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अशुभ प्रभाव के कारण वातावरण में भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी समस्याएं, अत्यधिक वर्षा होना, ये सारी समस्याएं देश के कोने कोने में देखने के लिए मिल सकती हैं, और इसका प्रभाव, ये सारी समस्याओं का बुरा प्रभाव झेलना पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को आषाढ़ कृष्ण अमावस्या के दिन होगा। इसका सूतक काल इस ग्रहण के 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाएगा, यानी अशुभ समय को सूतक काल कहा जाता है। और यह ग्रहण लगने जा रहा है सुबह में, लगेगा 10:09 पर 21 जून को, और इसका मोक्ष काल रहने वाला है 1:36 पर दोपहर में। तो अब चलिए जानते हैं मीन राशि वाले जातक और जातिकाओं के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, चूंकि आपको वर्तमान समय में क्या है, आपके मन में बहुत सारी अस्थिरता बनी हुई है, किसी कार्य में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपके मन में तनाव बना हुआ है और आपको कम परिणामों की प्राप्ति इस समय पे हो रही है जिस कार्य को आप कर रहे हैं, या ना के बराबर आपको परिणाम मिल रहा है, तो यह ग्रहण आपके चतुर्थ भाव में प्रभावी रहने वाला है। चतुर्थ भाव माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का कारक है। चतुर्थ भाव से ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो देखिए, यह सूर्य ग्रहण आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है, आपके जीवन में अनुकूलता लेकर आएगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर विशेष रूप से और अपने माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। यदि वाहन आप चला रहे हैं तो काफी सतर्क रहें, यात्रा के दौरान सतर्क रहें और एकांत वाले स्थान पर जाने से बचें। व्यापार में कोई भी बदलाव ना करें, क्योंकि आपके मन में यह ग्रहण आपके मन में आवेग लेकर आएगा, क्रोध ज्यादा लेकर आएगा। तो आवेग में आकर ना तो कोई गलत निर्णय लेने से आपको बचना है, गलत निर्णय आपको नहीं लेना है, और व्यापार में आपको बदलाव नहीं करना है। मीन राशि, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में सहकर्मी जो है आपके, उनके साथ आपका जो व्यवहार है काफी उत्तम होना चाहिए। समन्वय बनाकर ही चलें, सामंजस्य बनाकर अपने सहकर्मियों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये ग्रहण के अशुभ प्रभाव रहे, ये सारी चीजें आपका, आपको ध्यान रखना है। इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव यह है कि आपका मनोबल और उत्साह का जो स्तर है काफी बढ़ा हुआ रहेगा। आप कार्य में ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, कार्य में आने वाली बाधाएं इससे दूर होंगी, क्योंकि जब आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा तो जिस कार्य को आप करेंगे तो आप एक्टिव होकर करेंगे। इस ग्रहण का प्रभाव आने वाले 2-3 महीने तक रहने वाला है, इसलिए ये सारी चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मीन राशि, इस ग्रहण के प्रभाव के कारण आपके भौतिक सुखों में वृद्धि भी हो सकती है। तो अब चलिए जानते हैं उपाय की बात, कुछ हम बता देते हैं। इन उपायों को यदि आप करते हैं तो इस ग्रहण का अनिष्ट प्रभाव दूर होगा और जीवन में अच्छी स्थितियां बनेंगी। तो देखिए, ग्रहण काल जब प्रारंभ है तो कोई शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण काल के समय महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् विपवंदनाथ मृत्यु मोक्षे मामृतात्। यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसका यदि आप 108 बार, यदि ग्रहण काल के समय यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपका जो भाग्य है आपको काफी ज्यादा साथ देता हुआ नजर आएगा, और आपको स्वास्थ्य के प्रति जो अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में जो मिलेंगे उससे आप दूर हो पाएंगे, वो टल सकता है। इस समय अवधि में कोई अपने ऊपर आपको आत्मविश्वास रखना है,
मीन राशि, गलत डायरेक्शन में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। अपने व्यक्तिगत राज को किसी व्यक्ति से शेयर करने से आप बचें और दूसरे व्यक्ति पर आप दोष देना बंद करें। यदि आपने कोई गलती की है तो उसको आप स्वीकार भी कर लें। खाली समय का पूरा सदुपयोग आपको करना है और अपने समय का सदुपयोग करने के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विकास पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें। जीवन में आपके अगर कष्ट हों तो वो दूर हो जाए और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।